उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 10वीं में इस बार टेलर का काम करने वाले पिता की बेटी ने 96% अंक के साथ प्रदेश की वरीयता सूची में 15वां स्थान हासिल किया है। बेटी की सफलता से माता पिता और उसके गुरुजनों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। पब्लिक इंटर कॉलेज की छात्रा माही ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 10वीं में 15वां स्थान हासिल किया है। माही ने कहा कि मेरी इस सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने हमेशा पढ़ाई में मेरी मदद की और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। माही ने कहा कि वो प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करेगी। वहीं पब्लिक इंटर कॉलेज ने भी अपनी मेधावी छात्रा की शानदार उपलब्धि पर उसको पुष्पगुच्छ देकर और मिठाई खिलाकर उसका उत्साहवर्धन किया। माही है और मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ और मेरे पूरे उत्तराखंड में 15th रैंक आई है और मेरे 480 नंबर है। मैं पब्लिक इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे माता पिता का था और ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर का था। ट्यूशन टीचर में दुर्गा भैया और राधा मैम ने मेरी बहुत हेल्प की है। स्कूल टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, खासतौर पर हमारे प्रिंसिपल एन के वर्मा सर जो बहुत अच्छे थे। जी लगाकर मेहनत की और मैंने सुबह उठ उठ कर मेहनत किया, जिसमें मेरे माता पिता भी मेरे साथ जागते थे। मेरे भाई ने भी मेरा फुल सपोर्ट दिया है और मैं पूरे उत्तराखंड के छात्राओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप भी जी लगाकर मेहनत करें और हमारे उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन करें। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।